हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। अब आज पूरी फुल क्लीनिंग होगी, शेयर की क्लीनिंग करने का सिलसिला चल रही है। इसके लिए हमें कपड़ा भी लेना पड़ेगा, कपड़े को लेकर पहले और आज हमारे नीचे वाले पोर्शन की भी पूरी क्लीनिंग हो गई होगी। हमने ऊपर वाले पोर्शन में रहती है, नीचे का भी हमारा खाली पड़ा, पूरी फुल क्लीनिंग नीचे वाले पोर्शन की भी होगी। आज पूरी हमारे घर की डीप क्लीनिंग होगी और नीचे भी होगी सफाई। और हम अपनी ग्रिल साफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं अभी हाल आते हैं हम। अब नीचे दो लाई करते हैं, साफ कर रहे हैं। अपनी नीचे वाली किचन की सफाई करते हैं। हमारा नीचे का पोर्शन है जो अभी खाली है पूरा, और लोग बैठे हैं ऊपर। अभी नीचे गैलरी को साफ कर रही और इसकी भी पूरी क्लीनिंग होगी। डीप क्लीनिंग ही चल रही है। ये हमारा मेन गेट धुल रहा है। आज हमारे पूरे मकान की पूरी फुल डीप क्लीनिंग हो चुकी है। ये हमारा नीचे वाला पोर्शन है जिसकी हमें पूरी डीप क्लीनिंग करनी थी, जो हम लोगों ने मिली सामने आज इसको कर ली। और रेलिंग वगैरह जिसमें और जाली वगैरह इसलिए कर देता सभी का वो हो गया था। अभी नीचे की डीप क्लीनिंग चल रही है। हमारा नीचे वाला पोर्च भी क्लीन हो चुका है। ले अब हम फटाफट से रोटियां और सेक लें जल्दी से। खाना की थाली हम लोगों की लग चुकी है और थाली लगा रहे हैं। एक थाली लग गई है, दो और लगानी है। अब हम लोग खाना खाएंगे।
रियो की क्लिप चुपचाप से सूट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर उस वो कहीं बॉल वॉल से बस खाना की सुन ले दिया नहीं तो कुं 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 कुं। कपड़े गरी कर लें, कपड़े गरी करने के बाद फिर खाना पीना की भी तैयारी करेंगे। और आज तो हमें थक गए हैं बहुत, क्योंकि आज हमारे पूरे मकान की डीप क्लीनिंग हुई है, क्योंकि मतलब ऊपर तो वो हो ही चुकी थी क्लीनिंग, आपने देख ही लिया था रूटीन में। नीचे आज जो हमारा पोर्शन है, नीचे हमारा मकान दो मंजिल का है, डुप्लेक्स है, और हमारा खुद का ही मकान है, कोई किराए विराए का नहीं है, खुद का ही है, पर ज्यादा बड़ा तो नहीं है, तो छोटा ही, जिसमें दो कमरे नीचे हैं, किचन है, लैट बाथ है, ऊपर भी दो कमरे हैं, पोर्च वगैरह है, और नीचे भी पोर्च वगैरह है। और लेकिन हम लोग ऊपर ही रहते हैं, नीचे नहीं रहते हैं, क्योंकि अभी हमें इतनी जरूरत भी नहीं है कि हम पूरे में रहें। वो क्या ना कोई उसको हम रेंट पे उठाएंगे। और नीचे आज उसकी पूरी धुलाई हमने कर दी, हमने, हस्बैंड ने, श्याम ने, तीनों लोग मिलके। आप लोग ये सोचते होंगे कि श्याम का नाम काम में ज्यादा आता है, जय का कम आता है, तो ऐसा है, जय को टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि जय सुबह स्कूल चला जाता है, श्याम अभी स्कूल नहीं जाता है, और जय दोपहर में 2 बजे के करीबन आता है, कभी 2:15 भी बज जाते हैं, साइकिल से ही जाता है, साइकिल से आता है, फिर उसकी 3 बजे से कोचिंग है, फिर उसको खाना वगैरह खाया तो 2:45 पे फिर वो निकल जाता है। अब वो 6 बजे आएगा शाम के, 6 बजे आने के बाद फिर वही अपना पढ़ेगा करेगा, तो फिर जय कहाँ से काम करेगा। अगर छुट्टी का दिन होता है तो वो हेल्प कर देता है, मतलब ऐसे बच्चे नहीं है, दोनों ही बच्चे हमारे समझदार हैं, मतलब बात मानते हैं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है जो मतलब बच्चे मानते ना हो, बच्चे बराबर बात मानते हैं, अभी तो फिर पता नहीं, बड़े होके पता नहीं, लेकिन अभी तो मानती है। और श्याम शायद कल जाएगा अपने बाबा दादी के पास, क्योंकि बाबा दादी बुला रहे हैं, तो वो जाएगा। फिर आप लोग सोचोगे, आप ऐसा है, हमारा मकान दो मकान है, एक यहाँ है, एक जहाँ मम्मी पापा रहते वहाँ है, तो दीपावली का ऐसा त्योहार है ना कि उसको अपन मतलब घर में अंधेरा नहीं डाल सकती है, तो क्या है ना, यहाँ पे भी दीपक जलना जरूरी है और वहाँ भी दीपक जलना जरूरी है, क्योंकि वहाँ भी किराएदार रहते हैं, हमारे यहाँ तीन किराएदार रहते हैं वहाँ के मकान में, तो किराएदार सब लोग अपने घर चले जाएंगे दीपावली पे, तो मकान सुनना हम लोग नहीं छोड़ सकते, ना वहाँ का और न यहाँ का, इसलिए। और त्योहार होते हैं, जो भी कुछ भी होता है, तो वहाँ उनमें हम लोग शामिल हो जाते, क्योंकि ज्यादातर फिर एग्जाम वगैरह का टाइम, पढ़ाई का टाइम होता है, तो उन त्योहारों पर किराएदार वगैरह नहीं जाते, तो बन ही रहते हैं। और आज का आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आज की हमारी जो डीप क्लीनिंग थी, आज का रूटीन, पूरी मकान की फुल डीप क्लीनिंग हुई है, रेलिंग वगैरह की सब की हुई है, आपको हमारा कैसा लगा है ब्लॉग, जी आप जरूर बताना। और आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जो मतलब हमारा जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो तो देख ही रहे हैं, और जो न्यू लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और क्योंकि उन्हें ये लगता होगा हम दीदी का चैनल देखते, दीदी कभी कहती नहीं है कि तुम लोग भी चैनल सब्सक्राइब करो, तो न्यू लोग के लिए भी मैं कह रही हूँ, जो न्यू है वो सब्सक्राइब करें, और जो हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं वो तो देख ही रहे हैं, और बढ़िया है, सब अच्छा है, दवा वगैरह भी लिए, हल्का सिर में दर्द है, अभी टेबलेट खाते हैं फिर से। और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करेंगे, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, और जो न्यू है वो भी सब्सक्राइब करें।
हैं। और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करेंगे और हम अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली का थैंक यू करेंगे, क्योंकि जो न्यू लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जो मेरे सब्सक्राइबर मैं उन्हीं को थैंक यू करूंगी, नहीं, मैं उनको भी थैंक यू करूंगी जो मेरे चैनल को बराबर देख रहे हैं, और न्यू लोग हैं वो उनको भी मैं थैंक यू करूंगी। और न्यू लोगों से भी मेरा कहना है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।